कर्नाटक विधानसभा चुनाव में एनसीपी की भी एंट्री हो चुकी है, जहां पहले गुरुवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह ऐलान किया कि वो राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं पवार के इस ऐलान के बाद पार्टी के राज्य अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया, जिसकी वजह से कर्नाटक चुनाव से पहले ही सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल हरी आर की माने तो कर्नाटक में 4 से 5 विधायक एनसीपी के संपर्क में हैं और चुनाव से पहले ही ये लोग पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि एनसीपी नेता के इस दावे के बाद से ही बीजेपी महखाने में तहलका मच गया है। वहीं ये दावा करने के साथ ही हरियार का कहना था, दो दिन का पहले बीजेपी का रनिंग एमएलसी छोड़ के इधर आए, रिजाइन करके आया था, तो रिजाइन करके इधर आया, एनसीपी सिद्धांत अच्छा है बोल के इधर आए, इसलिए उन लोग को टिकट दे रहे ऐसा वाला को। अभी एक 4-5 एमएलए भी बीजेपी वाला छोड़ के इधर आ रहा है, मेयर भी आने वाला है। उधर इस दावे से पहले कर्नाटक चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए पवार ने मुंबई पार्टी ऑफिस में शनिवार को बैठक की। माना तो जा रहा है कि इस बैठक में कर्नाटक चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। गौरतलब है कि 2018 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी 14 सीटों पर लड़ी थी। हालांकि इस बार कर्नाटक चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने पवार की पार्टी को बड़ा झटका दिया और पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा छीन लिया, जिसे देखते हुए पवार का कर्नाटक चुनाव में उतरना बड़ा फैसला माना जा रहा है। जानकारों का तो ये भी मानना है कि एनसीपी ने कर्नाटक चुनाव लड़ने का फैसला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए ही उठाया है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार का ये फैसला विपक्षी एकता के लिए झटका है, क्योंकि कर्नाटक में एनसीपी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा, यानी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारी होगी। इस बीच कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी है, जिसमें पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ा झटका दिया गया है। कांग्रेस ने सिद्धारमैया की सीट माने जाने वाली कोलार से कोथुर जी मंजुनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सिद्धारमैया को मैसूर जिले के वरुणा सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीते दिन कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बोम्मई ने शिगगांव विधानसभा सीट से पर्चा भरा और विश्वास जताया कि वो सबसे ज्यादा वोट पाकर फिर से जीत हासिल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।